नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बैंसुर में आज कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष पद और सदस्य पदों के चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें माडाराम गुज्जर को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वहीं सदस्य पदों के लिए उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, राजेंद्र भूमर राम, तारा चंद, वेद प्रकाश सेन, श्रीराम मीणा निर्विरोध चुने गए। सभी नव निर्वाचित अध्यक्ष और सदस्यों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं निर्वाचन अधिकारी एसडीएम राहुल सैनी ने नव निर्वाचित अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई गई और प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि बांसुर के किसानों की लंबे समय से बांसुर कृषि उपज मंडी को दर्जा दिलवाने की मांग की गई थी, जिसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा किया था। पहले बांसुर के किसान खैरथल कृषि उपज मंडी पर निर्भर करते थे, वहीं आज अध्यक्ष और सदस्यों के निर्वाचन होने से किसान की समस्याओं को यही सुनवाई कर उनका समाधान कर किया जाएगा। वहीं कृषि उपज मंडी में जो विकास के कार्य होते हैं, चाहे सामुदायिक भवन बनवाना हो, किसान भवन बनवाना हो, सड़कें बनवाना हो, जैसे काम अब बांसुर कृषि उपज मंडी से विकास के कार्य हो सकेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बांसुर में कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष और सदस्यों ने निर्वाचन से बांसुर के विकास के कार्यों को गति मिलेगी, वहीं एक नया आयाम स्थापित होगा। समाज क्षेत्र की देश आजाद हुआ जिस दिन से और आज तक की एक सबसे बड़ी मांग चली आ रही थी कि भाई बांसुर में नगर पालिका बने कस्बे के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, किसानों की समस्या सुनने के लिए पर्सनल हमारी मंडी होनी चाहिए। अभी तक अपन खैरथल पे निर्भर होते थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से जैसे ही मैंने मांग करी तो जो अपनी ये बांसुर की मुख्य मुख्य मांग थी, जैसे पर्सनल मंडी बनाना, मंडी बनने से जो माननीय हमारे सदस्य बने हैं सारे के सारे, ये सदस्य जो किसानों की आए दिन समस्याएं बनी रहती हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है या पल्लेदारों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस तरीके की समस्याओं को ये यहीं बैठ कर के सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। और जो मंडी से जो विकास के कार्य होते थे, चाहे सामुदायिक भवन बनाना हो, चाहे सड़कें बनाना हो, तो अब हमारे बांसुर में ही जो विकास के कार्य जो माननीय सदस्य और चेयरमैन बनाए गए, उन्हें मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और वो अच्छा काम करेंगे और अपने क्षेत्र की, पूरी बांसुर विधानसभा क्षेत्र की, जो कहीं भी कोई सड़क बनाना है, किसी तरीके का कोई और काम होगा, किसान भवन बनाना है, तो इस तरीके की विकास की एक गति मिलेगी उसको इन सदस्यों के और चेयरमैन के बनने से। ये एक नया आयाम स्थापित हुआ है, क्योंकि बहुत पुरानी मांगे चली आ रही, चाहे जिला लेवल का अस्पताल हो, चाहे नगर पालिका हो, नारायणपुर में SDM ऑफिस, तहसील बनाना, AEN JEN बिठाना, तो ये बड़ी बड़ी जो मांगे थी जनता की, उन मांगों को सम्माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मेरी मांग रखने पे और उन्हें पूरा किया। और आज देखेंगे आप कि चाहे हरसोरा वाला रोड हो, डबल रोड इतने वर्षों से नहीं बना था, तो ये सारी चीज़ें विकास की गति पकड़ रही हैं। बांसुर को मैं भी चाहती हूँ एक नया अनूठा, एक हमारा जो कस्बा एक सिटी के रूप में